पैलान हमारे जो दिन मुख्यमंत्री उद्देश्य दलाई डीएम ने विचिंग्रेन जो दिन डेवलेशन हुई दंग एन पी सी आर आई सी दाम के DNB by ADP by NLP NLP मोलम्बी ग्रुप प्राय 48 टा संगठन और जो सूखी फैलेंगे तब वहाँ पेंडिंग इम्प्लीमेंट दंग रिहेबिलेशन काम करो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट काम करो अब रंगी दंग चीन सूखी तब वास्तवयन खाएको अब हमका जमी फेर इंट्रोडक्शन ऑफ इन लाइन पारमिट एडीसी डिलिमिटेशन तक जगह जगह जो रिहेबिलेशन खाई रही अब बगे जो तब फिर आसन बस घर जो तब आर पी आई बिशन गई जो तब जंखा जो दामने के जो नाइमानी जिन बड़ो शिक्षा काम जो ब्लक ब्लक प्रत्येक ब्लक एग्लब्य स्कूल अब खुलाबाई जो पंचायत सरकार एककालीन 70 बसर जिन बड़ो इंडिया गवर्नमेंट बैंक जयन मानी बड़े 70 बसर जो अनेक पिछाखा फादर ने बड़ो हाफाइया गाँव ने बीच जो अपन बहुत 70,000 एककालीन 70,000 रंग सामका गाँव ने बीच 29,119 कोटी अब जो दिन रिहेबिलेशन बगे ना जगह बार प्राय 12 48 ब्लक जेता जो जरा रिटार्न से बड़ों नक टांगे रुना तई एक हेक्टर के जमी रुना तई 3,00,000 नक चीनी बड़ो नक नक रही नक टांगे मारना 3,00,000 जगह गई रंग जगह मारना 3,00,000 दुकान गई रंग दुकान मारना जो सानका अमा के 43-44 दाबी जो सानका स्पेशली सिक्यूरिटी बगे बहुत जो सानका अब बगे न जो चीन तीव्रहा बड़ो कहनाई शुद्ध आर पी आई सिमिया सीपीएम बहन चीन और दाबी रंग इम्प्लीमेंट खाने बगे ना बड़ो जो जिंग सामी कहो मथा दौनाई जो बड़ो कहो जो सामी बगे ना तई डीजीपी जो बड़ो कहो चीन और दाबी रंग बगे ना सी थी रहा बगे ना जो देव कहिया मुख्यमंत्री विचिंगे भारत सरकार की कम मिनिस्टर की विचिंगे कैसा मनीटरिंग कमिटी चौंना ब चेयरमैन दंगना चीनी जे चुक्ति खेमें अब बास्तवयन खाने बगे ना डाक्री डाक्री खेम चंगा ब्लैक एंड हमारे नमस्कार। आज ढिलाई डिस्ट्रिक्ट में आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से आज यह रैली आयोजित की गई है और आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता नेतृत्व आरपीआई अटोले पार्टी त्रिपुरा स्टेट कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री सत्यजीत दास बाबू, वर्किंग प्रेसिडेंट अंत बाबू, वाइस प्रेसिडेंट डैनियल बाबू, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तो है नहीं, हमारे अपना संतराम जी पीछे जो ढिलाई ढिलाई के है, हमारे यहाँ के युवा नेतृत्व है खरगोदर यंग, और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है। अब यहाँ से जो डीएम साहब के पास में जो हम निवेदन देंगे, जो आवेदन देंगे, ये कुछ जनजातियों के मूल प्रश्नों को लेकर है और रिटर्निंग के कुछ इश्यूज़ है जिसको लेके हम आज इधर डेपुटेशन दे रहे हैं, और इससे पहले भी 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दिया गया है और स्टेट वाइड दे रहे हैं। तो आज प्रोग्राम जो आई था ये ढलाई डिस्ट्रिक्ट में है, तो जैसे कि मूलभूत प्रश्न है इनर लाइन परमिट का, जो जनजाति भाइयों की एक मांग है, और लाइवलीहुड के स्पेशली लाइवलीहुड के जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट्स है, उनके अंदर इनका इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे पिगरी गोटरी प्रोजेक्ट, लाइवलीहुड मिशन रिलेटेड, पीएम आवास योजना के अंतर्गत अभी भी बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, इनको घर नहीं प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक एडवाइजरी लेवल पे इसका आवंटन सही तरीके से हो, इसके लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को कॉग्निजेंस लेना होगा।
और जो मूलभूत सामाजिक समस्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू ऑफ रिटर्निंग लीडर्स और लाइवलीहुड और स्टेट के प्रोजेक्ट, जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स के कुछ सुझाव हमने दिए हुए हैं, जो इसमें हम यहाँ पर स्टेट के माध्यम से ला के इनकी उपजीविका का जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में हमें आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि दिन निकलते जाते, वक्त निकलते जाता है और लोग वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे माहौल में स्टेट का कोई दावा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए कि सभी बेनिफिशियरीज़ को इंक्लूजन में ध्यान में रखते हुए इंक्लूड किया जाए, कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो, कोई वंचित नहीं हो, तो ये सारा प्रयास RPI स्टेट कमेटी के माध्यम से सभी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और TVRPC के जो हमारे जो रिटर्नीज हैं, उनके जो लीडर अभी जो हमारे साथ पार्टी में जुड़े हैं, उनके भी नेतृत्व में काफ़ी सारा चीज़ हम इस इशू को कलेक्टिवली आगे ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैनर में।